है गाइज वी आर बैक अगेन विद इंटरवर्ड पर्सन फॉलो अप्स क्वेश्चन एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू पीपल गेट नर्वस वेन द स्पीक इन पब्लिक लोग नर्वस क्यों हो जाते हैं जब वो पब्लिक में स्पीक uh, करते हैं सो द आंसर इज़ वेल इन माई ओपिनियन पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम्स वेन द स्पीक इन पब्लिक जब वो पब्लिक में स्पीक uh, करते हैं मतलब लोगों के सामने बोलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं मेरे हिसाब से द मेन प्रॉब्लम इज़ नर्वसनेस सबसे पहली बात आ ती है नर्वसनेस या फिर हेजिटेशन भी बोल सकते हैं यहां पे दिस इज़ ड्यू टू मैनी रीजन ये बहुत सारे कारणों की वजह से होती है द फर्स्ट रीजन इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पहला कारण हो सकता है सो मे बी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंस की कमी होना एंड द सेकेंड रीज़न इज़ लैक ऑफ नॉलेज और दूसरा कारण है नॉलेज की कमी होना पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर किसी की कमांड नहीं होती किसी को नॉलेज नहीं होती तो इस वजह से भी पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा बंदा नर्वस हो जाता है तो ये आप इसमें बोल सकते हैं सो मास फेस प्रॉ डिफिकल्टी इन पब्लिक स्पीकिंग द नेक्स्ट के क्वेश्चन इज हाउ कैन दे इंप्रूव देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड द आंसर इज वेल देयर आर मैनी वेज बहुत सारे तरीके हैं टू पॉलिश पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश करने के बहुत सारे तरीके हैं द फर्स्ट एंड द बेस्ट वे इज डूइंग प्रैक्टिस किसके साथ विद द फैमिली मेबर्स एंड द फ्रेंड्स तो बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से एक तरीका है प्रैक्टिस करें फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा दीज डेज देयर आर मैनी ट्रेनिंग कोर्सेज बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं दैट पीपल कैन ज्वाइन जिनको लोग जॉइन कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर पब्लिक स्पीकिंग अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक्सवाई जेड ऐप भी कह सकते हैं या फिर किसी ट्रेनिंग कोर्स का नाम आप ले सकते हैं मूविंग टूअर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीच और लेक्चर्स हैव यू अटेंडेड इन यूर लाइफ अपनी जिंदगी में आपने कौन कौन से लेक्चर्स को अटेंड किया है तो यहाँ पर आंसर आप बोल सकते हैं आई हैव अटेंडेड प्ले थे ऑफ लेक्चर्स मैंने बहुत सारे लेक्चर्स को अटेंड किया है एंड स्पीचेज को भी अटेंड किया है इन माई स्कूल टाइम

वी कैन से इजिली कन्वे हिज मैसेज टू लिसनर्स ताकि वो अपना मैसेज जो है वो ईज़िली लोगों को कन्वे uh, कर सकें दैट मीन्स कि उनके पास उनके तक पहुँचा सकें ओके अपार्ट फ्रॉम दिस गुड कमांड ऑन लैंग्वेज इज यू ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छी हो ये भी बहुत ज़रूरी है क्रूशल uh, है इम्पॉर्टेंट है कुछ भी बोल सकते हैं फॉर अ गुड स्पीकर एक अच्छे स्पीकर की लैंग्वेज के ऊपर कमांड भी बहुत ज़रूरी है एंड गुड कॉन्फिडेंस लेवल इज़ ऑल्सो क्रूशल क्वालिटी ऑफ अ स्पीकर सो ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस लेवल ये भी होना चाहिए तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो स्पीकर के स्पीकर में होनी चाहिए सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन Next question is Why do many people find it hard to give a talk to young children? लोगों को मुश्किल क्यों लगता है छोटे बच्चों को समझाना तो आंसर है आनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव अ टॉक टू यंग चिल्ड्रन बच्चों को uh, कुछ भी बताना समझाना बहुत मुश्किल लगता है ये सच है बिकॉज दे आर नॉट मच्योर क्योंकि वो मच्योर नहीं होते दे कैन ईजिली गेट डिस्ट्रैक्ट वो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो स, हो जाते हैं एंड वी कैन गिव देम टॉक बाय नरेटिंग और टेलिंग स्टोरीज हम उनको स्टोरीज सुनाकर कर हम लोग जो है उनको समझा सकते हैं सो गाइज दीज आर द फॉलोअप्स क्वेश्चन फॉर द इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सब्सक्राइब कर देना दो